छोटा सा बेबी बहुत गुस्से वाला है। अच्छे से हैंड फीडिंग कराएंगे और टेम बनाएंगे। हाँ काटोगे? और यही दोनों केज है। और इससे पहले का वीडियो में जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉकरेल का कॉलोनी शिफ्ट करेंगे, क्योंकि बहुत तेज गर्मी है। मतलब अभी क्या कहूँ, ऊपर तो मतलब देख भी नहीं सकते और इतना ज्यादा गर्मी है। 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अभी, और इतना गर्मी में मेरा ऊपर जो है टिन का शेड है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। तो इसी के लिए मतलब, और कॉकरेल तो पूरा साल भर अंडा बच्चा करता रहता है, तो जो सारा चिक्स था बहुत जोर जोर से हाँफ रहा था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कॉकरेल का नीचे जो कॉलोनी हम लोगों ने बनाया, सारे कॉकरेल को पकड़ के उसी कॉलोनी में शिफ्ट करेंगे। दोनों केज, बहुत सारा कॉकटेल्स है इसलिए दोनों केज हम लोगों को चाहिए। ये रहा दूसरा, और यहाँ तो वही सारा लवबर्ड। आ जाइए मामा जी। हाँ, अगर बेबी को लेना है तो इसी बॉक्स में लेके जाएंगे। इंतजाम कर लिया। ये जो है नीचे जो बैठा है, इससे पहले जो वीडियो बनाया था इसी मटकी में दो बच्चा था, और उसी से शायद एक निकल के आया, वो जो पार्ल का बेबी था। हाँ, और शायद अभी तक वहाँ और एक होना चाहिए। मामा जी वहाँ देखिए तो एक है कि नहीं, वहाँ उस मटकी में? हाँ, है। अच्छा, एक बेबी यहाँ है ना? हाँ, यही बेबी को देखा था। रेड आइट का बहुत सारा फेदर्स भी आ गया है। बहुत छोटा है क्या बच्चा हुआ है? अंडा लेके बैठी है शायद मामा जी। तो अभी पकड़ना होगा। एक्चुअली बात करते करते मैंने एक पकड़ लिया। वाह, काटो मत काटो मत काटो मत। ठीक है, हो गया। और हाँ, यही बेबी है। इसी बेबी के बारे में बताया था, वो जो मटकी है उसी मटकी से निकला है एक दो दिन पहले। और इसका जो बॉडी है एकदम तंदुरुस्त, बहुत अच्छा टाइट बॉडी है। मैं जितना बार कॉकटेल को पकड़ने के लिए जाता हूँ तो खून निकल के ही छोड़ता है। मतलब बहुत तेज़ी से काटता है। मतलब पहले बहुत सारा था तो इसी के लिए ऐसे ही हाथों में पकड़ना पॉसिबल हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा कम हो गया है तो यहाँ वहाँ बहुत उड़ रहा है। मामा जी नेट आइए। मामा जी बहुत खूबसूरत है। अस्ते मामा जी, एक बार काटेगा तो खून निकल के ही छोड़ेगा मामा जी। यहाँ भी अंडा है? हाँ मामा जी, ये फर्टाइल है। अच्छा, जितना सारा मटकी में सारे अंडे को ना एक ही मटकी में ले लीजिए, ठीक है? और वहाँ जो बच्चा है उस बच्चे को इसी यहाँ रखिए। अच्छा अच्छा ठीक है। दो अंडा, अभी तक दो अंडा है। आ जाओ। इससे पहले का वीडियो में यही बेबी बहुत छोटा था, वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया था, और इस बार तो मतलब थोड़ा बड़ा हो गया है। इसका पेरेंट्स ने जबरदस्त फिट करा रहा है, बहुत सुंदर है। फिर भी क्या करो, हैंड फिटिंग में लेना पड़ रहा है, क्योंकि नए जगह में, नया कॉलोनी में यही मटकी भी लगाएंगे तो नए जगह में उनका पेरेंट्स उनको फिट कराएगा या अंडे को हैच कराएगा, उसका पता नहीं। तो इसी के लिए बच्चा को तो हम लोगों ने ले लिया। दादा बाकी का सारे मटकी चेक कीजिए। इसमें अंडा लेके बैठी है, अंडा लेके बैठी है, लेकिन उसका मेल कौन सा हो सकता है? मामा जी सारे मटकी चेक कीजिए आप। एक अंडा है, शायद खराब हो गया है शायद, फिर भी रखते हैं एक ही जगह में। चलिए दादा उज्जवल दा, आप थोड़ा सा लीजिए। तो निकल लिया है सारे कॉकटेल्स को, और उसके साथ ये बहुत खूबसूरत सा छोटा सा एक बेबी। मामा जी चलिए कैमरा हमको थोड़ा सा दीजिए। एक पैचलेस कॉकटेल शायद अंडा लेके बैठी है। हाँ, दो अंडा,
लेकिन क्या करें, यहाँ बहुत तेज़ गर्मी है, मतलब कैसे पसीना निकल रहा है वो देख के शायद आप लोगों को पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा हीट होता है ये प्लेस। तो नीचे शिफ्ट कर देना ही सही रहेगा, और इसको मटकी के साथ, ये जो दो अंडा है अंडे के साथ, मतलब इसके साथ ही इनको वहाँ जाके, मामा जी वहाँ जाके नया कॉलोनी में हैंग कर देना है आपको। उज्जल दा, आप इसको थोड़ा सा पकड़िए, मतलब यहाँ आपको हाथ ऐसे ढाक के रखना पड़ेगा क्योंकि इसका अंदर है। मामा जी बाकी का सारे मटकी एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए कि किस में अंडा है। दो अंडा है यहाँ, और दो अंडा मिला। सारे अंडे को एक ही मटकी का अंदर यहाँ रखते हैं। चेक कर लिया है, ये क्या हो रहा है, इतना पसीना। बर्ड नहीं है तो सही है, लेकिन मटकी को सीधा रहना चाहिए। तो लगभग हम लोगों ने सारे मटकी, मामा सब चेक कर नहीं चुका, सब चेक कर, सारे के सारे मटकी चेक कर लिया। ज़्यादा नहीं, 2-4-6 अंडा मिला, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो चुका है, जो देख के जो लग रहा है हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा अंडा खराब हो चुका है। तो अभी सारे कॉकटेल्स को और इस मटकी को लेके नया कॉलोनी में जाएंगे, और सारे कॉकटेल्स को और ये जो बेबी है इसको तो हैंड फीडिंग में ले लेंगे। इसको तो बार बार देखने के लिए मन करता है, अच्छे से हैंड फीडिंग कराएंगे और टेम बनाएंगे। हाँ काटोगे, ठीक है। तो चलिए मामा जी, उज्जला आप एक केज ले लीजिए, मामा जी एक लीजिए, और ये जो है इस मटकी को एकदम मटकी के साथ ही वहाँ लगाएंगे। हाँ निकल लिया सारे कॉकटेल्स को, मामा जी आइए छाँव में, यहाँ थोड़ा सा रखिए मामा जी, यहाँ छाँव में थोड़ा सा रख दिया। उज्जला आइए दादा, अंडे को इतना अच्छे से हैचिंग करा रहा है, ऊपर जाके इतना सारा बार्ड्स को पकड़ा, लेकिन ये मटकी का अंदर ही बैठा है अभी तक। सबसे पहले इसको अंदर रख के आता हूँ, चलो तुम्हारे जगह में तुमको छोड़ के आता हूँ। और यहाँ तो हम लोगों का सारे बार्ड चिक्स रहता है, जैसे यहाँ क्या क्या है एक बार दिखा। हाँ यहाँ तो अफ्रीकन ग्रे का एक बेबी है, फ्लैश लाइट आपने ऑन करके रखे है अंकल जी, इसलिए डर रहा है। और इस साइड जो है मोंग पैराकिट्स का बेबी, ये गुस्सा हो रहा है, ये अभी बच्चा नहीं रहा। और यहाँ दो पाइनएप्पल कॉर्नियर का बेबी, और सन कॉर्नियर और जांडिया कॉर्नियर का बेबी। यहाँ जांडिया कॉर्नियर का 3 बेबी, और यहाँ सन कॉर्नियर का 3 बेबी। और यहाँ आ गया हम लोगों का कॉकटेल का एक बेबी। ऐसे नेट ढक के रखना पड़ता है ताकि मच्छर ना काट पाए। अभी इन लोगों का फेदर थोड़ा थोड़ा करके आ गया है, अभी तो उतना कोई टेंशन नहीं है मच्छर से, फिर भी थोड़ा सा प्रोटेक्शन के लिए ऐसे रखना पड़ता है। और यहाँ ये दो अफ्रीकन ग्रे का बेबी, ये लोग तो पूरा के पूरा सेलिब्रेटिंग हो गया है, और पूरा के पूरा फ्लाई भी कर पाता है, मतलब छोड़ने का लायक हो गया है। करण दीपंकर का ओपन एवियरी में उड़ने का टाइम हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है, और 2-4 दिन बाहर जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा बेटे, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जाओ अंदर अंदर, बाहर नहीं बाहर नहीं बाहर नहीं। खबर को आवाज होने किसका, आधा घंटा एक घंटा पर खड़ी देते हैं। हाँ 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 हाँ, पेट खाली हो रहा है, रेड फैक्टर का बेबी है। अभी से देखिए यहाँ से रेड कलर आ रहा है सब एकदम बहुत अच्छा कलर का होगा। कॉब में खाना थोड़ा सा कम है, कॉकटेल्स को नया कॉलोनी में छोड़ने के बाद फिट करा देंगे सबको। ऐसे गेट बंद कीजिए। सबसे पहले हम लोग जो करेंगे, अभी तक ये मटकी का अंदर चुपचाप से बैठी है, इसको कहीं आपको हैंग करना है। यहाँ से कोई एक मटकी आप खोल लीजिए मामा जी, कहाँ रखा जाए इस मटकी को, कहाँ शिफ्ट किया जाए ऊपर, मतलब बहुत सारा मटकी तो ऊपर का जो कॉलोनी था वहाँ लगा के रखे थे। इस एक कोने का मटकी को इसने चूज किया था, पसंद किया था वहाँ ही, तो किसी कोने में लगाएंगे तो फाइनली। और एक बार दिखाना चाहूँगा, वाह अंडे को पंख का नीचे ले लिया, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, कर दीजिए। हाँ ठीक है हो गया, इनक्यूबेटर में डाल देंगे। और तो अभी सारे बार्ड्स को छोड़ेंगे, मामा जी इसको हटाइए, बड़े वाले गेट को खोल देंगे तो अकेले निकल जाएगा। खोलिए इसको भी खोलिए, जाओ 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 जाओ, हाँ जाओ 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 जाओ, जाओ। नहीं नहीं बैठता है, बैठने दीजिए। तो वो मेल निकल गया, वो उसका फीमेल शायद अभी तक केज के अंदर है, इसी के लिए वो छोड़ के नहीं जाएगा। जब तक फीमेल नहीं निकलती है तब तक रहेगा।
अपने आप ही चला जाएगा। गुड गुड। ये बेबी है, इसको थोड़ा सा हाथ में लेना चाहूँगा। यही वो छोटा बेबी है, मतलब जब वीडियो बना था इससे पहले वाला वीडियो, वहाँ दो बेबी दिखाया था, एक थोड़ा सा बड़ा हो चुका था, ये वही है, और एक को तो हम लोगों ने रख दिया है हैंड फीडिंग के लिए। चलो जहाँ खाना दिया जाता है वहाँ ही तुमको। वाओ, ये तो बहुत अच्छा फ्लाई कर लेता है। हाँ रुको 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 रुको, बेबी जहाँ जा रहा है पेरेंट्स पीछे पीछे भाग रहा है। ठीक है, शांत शांति 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 हो गया। और तो फाइनली सारे कॉकटेल्स को हम लोगों ने नया कॉलोनी में छोड़ दिया है, और सच कहूँ तो ऊपर से कई गुना ज़्यादा यहाँ ठंडा है, ऊपर से कई गुना ज़्यादा यहाँ ठंडा है। वहाँ तो रहना मुश्किल हो रहा था, लेकिन यहाँ आराम से रह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, दूसरा फ्रेंड से उन लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद देखिएगा उसका बगल में जो बेल आइकन अपीयर हो जाएगा, वहाँ भी दबा दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम लोग यूट्यूब में कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन डायरेक्टली आप लोगों का मोबाइल या कंप्यूटर तक पहुँच जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है, फिर मिलेंगे किसी नया वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। हाँ छोड़ो बतन धरो तो और हमेशा की तरह टाइम टू टाइम हम लोगों ने तो ऐसे व्हील चेयर का डिस्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं। और ये जो व्हील चेयर है थोड़ा अलग, ये दोनों चीज कहाँ लगाते हैं? मैनुअल किचु आछे? ब्रेक सोरो ये रहा आपका व्हील चेयर। কিছুদিন আগে আমার হঠাৎই রাত্রিবেলা এরকম প্রবলেম, মানে স্পাইনাল কোর্টে যন্ত্রণা হয়, মানে সিট দাঁড়াতে যন্ত্রণা হয়, হ্যাঁ পেন হতে হতে 15 থেকে 20 মিনিটের মধ্যে যন্ত্রণা হতে হতে ব্লক হয়ে যায়, পুরো বুকের নিচ থেকে পুরোটা ব্লক হয়ে যায়, সেই ব্লক আজ পর্যন্ত। আপনি পায়ে দাঁড়াতে পারেন না? दीदी आप देखिए, मतलब यहाँ से दोनों हाथों से आप मतलब इसे आगे पीछे कर सकते हैं। हाँ देखिए, एक बार ट्राई करके देखिए। हाँ बस दीदी क्या मन लगछे बोलूँ? भालो लगछे। अगर कोई चाहते हैं कि मतलब ऐसे कोई फिजिकली चैलेंज है, आप मतलब आपका व्हील चेयर का नीड है, आप चाहते हैं कोई व्हील चेयर, तो नीचे दिया हुआ इसी फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप या फ़ोन करके सौरभ के साथ मेरे साथ बात भी कर सकते हैं। और अगर कोई देना चाहते हैं, डोनेट करना चाहते हैं ऐसे हेल्पलेस लोगों के लिए व्हील चेयर वगैरह, जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है, सपोर्ट स्ट्रेचर है, कोई भी हो, क्योंकि नीड तो सब कुछ का ही है। हाँ हाँ हाँ, तो नीचे दिया हुआ इसी नंबर पर प्लीज़ फ़ोन करके कॉन्टैक्ट, मतलब व्हाट्सएप या कॉल कीजिएगा। बट ऐसा हेल्प एक्चुअली मेक लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर दोज पीपल, ओके, सो वी शुड एनकरेज आई थिंक एवरीवन टू पार्टिसिपेट, कुछ कंट्रीब्यूट करके ये करना। जरूर जरूर जरूर, जैसे आप लोग तो सपोर्ट करते आए हुए हैं, ऐसे सपोर्ट बना के रखिए, तभी जाके आप लोगों का थ्रू ही ऐसे हेल्पलेस लोगों के पास हम लोग, मतलब हम लोगों का खड़ा होना मतलब आप लोगों का ही सपोर्ट हम लोग से जरिया है, पहुँचाते हैं, लेकिन असली सपोर्ट आप लोग ही करते हैं। तो पैरेंटिंग को चैरिटेबल ट्रस्ट के हर एक मेंबर्स की तरफ से आप सभी के लिए दिल से बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। देखाशुना के करे আর এই যে আপনাকে তোলা হুইল চেয়ারে দাদা দাদা আছে ডেকে একটু নেই। আচ্ছা ইনি দাদা আপনার, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে, আপনি আপনার বোনকে এইভাবে সাপোর্ট করেন। দেখো একটা কথা বলি, কত মানুষ সুস্থ অবস্থায় ঘুরে, কত 30-32-28 বছরের ছেলেরা রাত্রিবেলা ভালো মন্দ খেলো, শুয়ে গেল, সকালবেলা উঠতেই পারে না, মানে স্ট্রোক হয়ে মারা যায়। কত মানুষ আছে, তুমি তো বেঁচে আছো, তুমি তো প্রকৃতির পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছ, এটা তোমার কাছে আনন্দের নয়? তুমি কেন দুঃখ পাচ্ছ ওটা নিয়ে? ওটাকে ছোট করো যে ভগবান আমি দেখতে পাচ্ছি, আমি বেঁচে আছি, এই সুন্দর এই যে রং দেখতে পাচ্ছ, ছবি দেখতে পাচ্ছ, পাখা দেখতে পাচ্ছ, পাখি উঠছে, তোমার মা আছে, ভাই আছে, দেখতে পাচ্ছ, এটাও আনন্দ। এর মধ্যে আনন্দ খুঁজতে হবে তোমাকে, যে আমি যেটা পেয়েছি আমি এটা নিয়েই আনন্দ, আমি তো মরে যাইনি।
ভগবানের জন্য থ্যাংক ইউ বলবে যে ভগবান তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছো, এটাই বলো। তোমার যদি এমন অসুখ হয়ে যেত, তুমি যদি মারাই যেতে, কিছু দেখতেও পেতে না, হয়তো এদের একটু হ্যারাসমেন্ট হচ্ছে তোমার নিজের খারাপ লাগছে, আমি বুঝতে পারছি। তবু এরাও করছে এবং আমাদের সঙ্গে যেহেতু যোগাযোগ হলো, আমরাও আমাদের পক্ষ থেকে সব চেষ্টা করতে হবে। এই দুঃখের মধ্যেও তোমাকে তোমার আনন্দটা খুঁজতে হবে, তাহলে তো বেঁচে থাকতে পারবে না। তুমি কষ্টে আছো, দুঃখে আছো, খুব মানে তোমার নিজের ইয়ে লাগে যে আমার জন্য সবাই বিব্রত হচ্ছে, কিন্তু এর মধ্যেও তোমাকে আনন্দ খুঁজতে হবে। একটা মানুষ মানে সুখী খুশি হতে পারে সে নিজের ভাবনা দিয়ে, বুঝতে পারলো? তোমার হাসি আমার ভালো থাকতে হবে, হাসি মুখে থাকতে হবে, ঠিক আছে? আমরা দেখছি বিভিন্ন জনের কাছে কীভাবে কী করা যায়। ভগবানকে বলে তুমি সুস্থ হয়ে যাও, সাবধানে যাবে, হাসি মুখে থাকতে হবে, মনে জোর রাখতে হবে, ঠিক আছে? সব বেঁচে আছে, কেউ থাকবে না, সবাই আমিও চাই, সবাই যেতে হবে, কিসের দুঃখ? আরে আরে না, যাও যাও যাও, ভালো থেকো, বোনকে দেখাশোনা করতে হবে, এটা তোমার কর্তব্য, কিন্তু এই কর্তব্য থেকে বঞ্চিত হবে না, এটা ঈশ্বরের সেবা করছো তুমি, বোনের যে এই সেবা করছো এটা মানে ঈশ্বরের সেবা করা হচ্ছে। नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन का महाराज जी आए हैं पैरट दीपंकर का बार्ड ब्रीडिंग फार्म विजिट करने के लिए। कुछ दिन आगे पैरट दीपंकर एखे पाखी सेवा शुश्रूषा करा कागदीपे तो आसि विभिन्न काज करते रामकृष्ण मिशन जेदिन आसबो से दिन एदी के देखे जाब साधुरा एत सुंदर भाई पाखी रखा हो सब पाखी सेवा शुश्रूषा करा खूब भाग लगल और भलोभ परिचर्या करूब भलो लगल। थैंक यू।